भारत में बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो अपनी ख्याति को दर्शाते हैं। इस विश्वविद्यालय की अपनी अलग ही प्रसिद्धि है, लेकिन इन सब में सबसे पुरानी है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है। आज हम आपको इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे, तो ये जानते हैं इसके बारे में। यहाँ की लाइब्रेरी में हजारों किताबों के साथ 90 लाख पांडुलिपियां रखी हुई थी, और यहीं पर बख्तियारपुर खिलजी ने आक्रमण कर आग लगा दी थी, जिसे बुझाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था। तक्षशिला के बाद नालंदा को दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रही थी। यहाँ पर विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क था। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2700 से ज्यादा अध्यापक थे। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरों देशों के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। तो दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।